हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक क्या चल रहा था, क्लोज पैकिंग के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो आज थर्ड मेंशन करना, कल दो पढ़ लिया था अपने, एसएससी पढ़ लिया था, बीसीएससी पढ़ लिया था। आज मेंशन कीजिए आप फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। देखिए एफसीसी टाइप कैसे बनेगी, अब बात को समझो। कलम क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, देखो। अच्छा एफसीसी में बन किस से रहा है ये, बाय द यूजिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हेक्सागोनल बनाओगे तो मामला बैठता क्यों नहीं है। कई बार क्या होता है फिर स्ट्रक्चर नहीं बनती है, तो फिर ठीक है, फिर जैसी बन जाती है वैसी बना लेते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। हाँ एक बार स्ट्रक्चर बने, परफेक्ट स्ट्रक्चर बने। देखें ऐसे कोशिश करना, ये ऊपर बनाओ, देखिए इसको यार, ये बैठ तो सकता है मामला ऐसे, है ना, ऐसे किया तो जा सकता है। चलो ये एक एक कम कर दीजिए अभी यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि भाई तुम्हारे पास में एफसीसी बनती कैसे, बात को समझना। यहाँ अल्टरनेट पे ये क्या है, वॉइड है, इस एक एटम के चारों ओर ये क्या है भैया, सिक्स है। आप देखो कि इसमें अल्टरनेट में यहाँ पे भी है, तो अब तो जो तुम्हारे पास में ये ए बी सी टाइप स्ट्रक्चर बनती है ना, तो देखना आप भी अलग कलर पेन से बनाओगे। इसमें क्या है, इस अल्टरनेट पे जो सेकेंड लेयर होती है ना, जो सेकेंड लेयर होती है वो क्या है, इस अल्टरनेट पे प्रेजेंट होगी, यानी कि एटम्स जो प्रेजेंट होंगे वो इन अल्टरनेट वॉइड में प्रेजेंट होंगे। तो आपको दिख रही होगी अल्टरनेट वॉइड। अब कौन कौन सी बच गई भाई, अब जो तुम्हारे पास में बच गया, एक तो ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड। तो फिर क्या करते हैं, ये जो तीसरी लेयर आएगी वो इन वॉइड के ऊपर आएगी, जो थर्ड लेयर आएगी वो इन वॉइड के ऊपर आएगी। आई बात समझ, और ऐसे ये वॉइड को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर फिर जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे तो बनाना ही है नॉर्मली। और फिर ये जो स्ट्रक्चर निकल के आई, यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकल के आई वो क्या निकल के आई भाई, कि यहाँ यहाँ तो एटम है ही, एक एटम यहाँ 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 पे, इसमें यहाँ यहाँ,
ये कौन सी स्टाई बनी? एफ सी सी टाई बनी। बना लीजिए एक बार इसको, बनाइए फिर सारी चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। और भाई किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लेना भाई कि ये 2D के अंदर 6 एटम यही तो थे, ये 2D के अंदर 6 एटम यही तो थे, और यहाँ पर अंदर की तरफ एक एटम ये रखे, 2D के अंदर यही तो स्ट्रक्चर बन रही थी, तो अल्टरनेट यही तो है, इसका अल्टरनेट ये रहा और ये रहा। आई बात समझ में? तो ऊपर ऐसे कैसे एक स्ट्रक्चर बना दीजिए भाई, तीन जो आपके पास में ये जो लेयर के आएंगे वो यही तो आएंगे भाई, ये यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये यहाँ एग्जिस्ट करेगा और ये यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऐसे तो होगा। और इसकी बात करें तो ये और ये, तो दैट मीन्स ये ऐसे बना लीजिए इसको, ठीक है भाई। ऐसे ही तो है भाई, वो बनाओ एक बार। ठीक है, फिर इसमें लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर लेना भैया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। पैकिंग फ्रैक्शन इसका होता है 74%। आज अपन पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालेंगे भैया, आज के क्लास में हम पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालेंगे। ये बना लीजिए, फिर मेंशन करना पैकिंग फ्रैक्शन। बना लियो, अब मेंशन कीजिए पैकिंग फ्रैक्शन। नया टॉपिक मेंशन कीजिए पैकिंग फ्रैक्शन। अभी जो बार बार देख रहे थे ना अपन पैकिंग फ्रैक्शन, उसी को कैलकुलेट करेंगे अपन पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन लिखिए इसमें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस of the space occupied of the space एक सेकेंड यार, ये पैकिंग फ्रैक्शन है आपकी सिलेबस में नहीं है यार, एक सेकंड में सिलेबस से चेक कर लूँ।
नहीं भाई नहीं, ये पैकिंग फ्रैक्शन आपके नहीं है, सॉरी आपके नहीं है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं है। आप टॉपिक मेंशन कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, या इससे पहले मेंशन कर लीजिए इंटरस्टीशियल वॉइड। ये है टॉपिक इंटरस्टीशियल वॉइड अंतराकाशी, ये रहने दीजिए, आप मेंशन कीजिए इंटरस्टीशियल वॉइड। इंटरस्टीशियल वॉइड अंतराकाशी कोश, अंतराकाशी कोश, और इसमें लिखना दीज आर द वेकेंट स्पेस, दीज आर द वेकेंट स्पेस, दीज आर द वेकेंट स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस, दीज आर द वेकेंट स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्त स्थानों को, क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्त स्थानों को, उपस्थित रिक्त स्थानों को अंतराकाशी कोश कहा जाता है, अंतराकाशी कोश कहा जाता है, अंतराकाशी कोश कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें मेंशन करना टाइप्स ऑफ इंटरस्टीशियल वॉइड अंतराकाशी कोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरस्टीशियल वॉइड अंतराकाशी कोश के प्रकार, अंतराकाशी कोश के प्रकार। तीन टाइप बना लीजिए आपको, तो चौथे टाइप की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, टोटी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फल की, चतुष्फलकीय कोष, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय कोष, और एक होता है तुम्हारे पास में क्यूबिक वॉइड। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, मान लीजिए तीन वर्ड तुम्हारे पास में ऐसे ट्राइगोनल फॉर्म में, ठीक है ना, तीन वर्ड, और इस तीन वर्ड के ऊपर इसकी इस केविटी के अंदर यदि कोई और एक और वर्ड आ जाए ना इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर, तो ये जो वर्ड बनेगा इसे बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड। अब ये कहाँ बनता है देखेंगे अपन, बात करेंगे कहाँ बनता होगा, कैसे बनता होगा, इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ये होता है कि भाई तुम्हारे पास में जैसे तीन वर्ड यू है ना, ठीक है ना, ऐसे प्रजेंट है, तो अब देखिए तीन वर्ड अब आपको ऐसे मिलेंगे, ये लो, तो इन से छः से सिक्स से तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास में ये जो फॉर्मेशन होगा वो कौन से वर्ड का होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का फॉर्मेशन, देखेंगे भी कहाँ पर चढ़। और धनिये जो वर्ड बनता है ना, ये बनता है जैसे तुम्हारे पास में ये चार जो वर्ड है ना, ये लीजिए, और इनके ऊपर भी क्या हो ऐसे चार हो, तुम्हारे पास में ये जो वर्ड बनेगा
इसे बोलेंगे अपन क्या, क्यूबिक वर्ड। अभी देखते हैं वन बाय वन, एक बार तो इनको बना लीजिए आप लोग। बना लिया अभी। नेक्स्ट मेंशन कीजिए आप, फर्स्ट आप मेंशन कीजिए टेट्राहेड्रल वर्ड। फर्स्ट इसने क्यों उल्टा कर लिया, सबसे पहले मेंशन कीजिए आप क्यूबिक वर्ड, सबसे सिंपल वही है तो इसीलिए उसको पढ़ लेंगे। क्यूबिक वर्ड मेंशन कीजिए, क्यूबिक वर्ड। और इसमें मेंशन करना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घनी को सिंधी वाले लिख लेना, लिखिए इसमें इट लाइज एट द सेंटर ऑफ क्यूब इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्यूबिक वर्ड की। एससीसी में प्रेजेंट होता है, याद है ना, क्यूबिक वर्ड इसमें प्रेजेंट होता है, एससीसी में। भाई एससीसी में कैसे प्रेजेंट होगा देखना, भाई एससीसी का यही तो है फॉर्मेशन का मेनर, यही तो है एससीसी टाइप यूनिट से, ये से ना। तो अब देखना ये जो केविटी बन रही है ना तुम्हारे पास में, ये जो केविटी, इसी केविटी को हम क्या बोलेंगे तुम्हारे पास में, क्यूबिक वर्ड। क्योंकि देखना भाई सेकंड ऐसे आएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान बच रहा है ना, इस रिक्त स्थान को क्या बोला जा रहा था तुम्हारे पास में, क्यूबिक वर्ड। भाई इसको मैं ऐसे भी तो मेंशन कर सकता हूँ ना, भाई ऐसे क्यूब फॉर्म में भी तो इसको मेंशन किया जा सकता है, ऐसे भी तो आपको समझा सकता हूँ ना। ठीक है भाई, तो ये जो तुम्हारे पास में यहाँ पर इस सेंटर के इस क्यूब में जो वर्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक वर्ड। इसे क्या बोल रहे हैं, ये जो है इसे क्या बोल रहे हैं, क्यूबिक वर्ड। और ये कौन सी टाइप यूनिट सेल है, एसीसी टाइप यूनिट सेल है। अच्छा क्यूबिक वर्ड है, तो अब इस क्यूबिक वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए इसका, 8 ही होना चाहिए। यस क्यूबिक वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात चल रही है, तो यही तो होगा सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे। भाई यहाँ पे अपन बात करें तो अपने को किस डिस्टेंस पे एटम मिलेंगे, रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू पे कितने मिलेंगे अपने को, 8 एटम मिलेंगे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 8 हो गया। बना लीजिए एक बार तो इसको, बना लिए हैं। सेकंड लिखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और इसमें लिखना इट एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ क्यूब
सेंटर ऑफ क्यू एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच एज सेंटर ऑफ ईच एज इन एफसीसी टाइप यूनिट सेल इन एफसीसी टाइप यूनिट सेल हिंदी मीडियम वाले बच्चे में करना अष्टफलकीय छिद्र एफसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका में कोष्टिका में या एफसीसी प्रकार की एकक कोष्टिका के केंद्र के साथ साथ सभी किनारों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। लिख लिया सबने? यस है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेना है इस ऑप्टाइडल वर्ड का। लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑप्टाइडल वर्ड इज इक्वल टू कितना? 6। कितना मेंशन करना? 6। आई बात समझ? अब देखिए ये ऑप्टाइडल वर्ड बनेगा कैसे, मैं समझाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा कि ये ऑप्टाइडल वर्ड कैसे बनेगा। भाई भाई तुम्हें पता है ये 6 कैसे हुआ कि ये क्या बोल रहा है? सभी एज के सेंटर पे, तो यहाँ मैं एक ऑक्टाइडल वर्ड मान लेता हूँ। देखो ये कैसे बना भाई, ये एटम और ये एटम, ये दो एटम मिले यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पर जो एज है ऊपर वाली और एक ये एज है, ये एटम मिलेंगे आपस में, ऐसे ना। ये कितने हो गए भैया? 4। अब कौन बाकी बच गया इसके लिए? बात को समझना, ये वाली काम आएगी, यहाँ का आइटम काम आएगा, यहाँ का काम आएगा, दो तो ये हो गए, 3 और 1 4। फिर ये भी तो बच रहा है तुम्हारे पास में, ये भी तो बच रही है एक फेस, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भैया? 6 हो गया इसके लिए। आई बात समझ? नेक्स्ट मेंशन कीजिए टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, चतुष्फलकीय छिद्र। टेट्राहेड्रल वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन एफसीसी टाइप यूनिट सेल। इन एफसीसी टाइप यूनिट सेल ठीक है ना। आगे मेंशन करना टेट्राहेड्रल वर्ल्ड लाइज एट बॉडी डायगोनल। ठीक है भैया? यस या नो? चले अपना आगे आगे मेंशन कीजिए। ये वर्ड के बारे में बता दिया, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस टॉपिक को, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया इस टॉपिक। उपसंयोजन संख्या वह त्रिज्या अनुपात ठीक है। सबसे पहले मेंशन कीजिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर रेडियस रेशियो पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही यही है। कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या लिखी इसमें, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ nearest neighbor around the atom
इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर अराउंड द एटम. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं कड्डा परमाणु के चारों ओर उपस्थित, परमाणु के चारों ओर उपस्थित, चारों ओर उपस्थित सबसे निकट, सबसे निकटतम पड़ोसी, सबसे निकटतम पड़ोसी उस परमाणु की उपसंयोजन संख्या कहलाती है. उस परमाणु की उपसंयोजन संख्या कहलाती है. और ये मैंने पढ़ भी रखा है, जिसे यही डाला ना उपसंयोजन संख्या. यानी कि तुमको पता होना चाहिए, यूनिट सेल आपने पढ़ी थी, एक कोष्टिका पढ़ी थी आपने, एक कोष्टिका थी, क्या क्या थी, एसीसी थी, बीसीसी थी और एफसीसी थी. और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना. इसका कितना निकल के आ रहा था 6, इसका कितना निकल के आ रहा था 8, और इसका कितना निकल के आ रहा था 6. सॉरी गलत कर दिया क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर एसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया था वो कितना निकल के आया था 6, इसके लिए 8 और इसके लिए 12. भाई एफसीसी के लिए मैंने गलती से यदि कुछ लिखवा दिया, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 लिखवाया तो भैया उसको 12 कर लेना भाई, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कर लेना, 12 होता है. याद करना है आप लोगों को, याद करना है इसको. अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए रेडियस रेशियो, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कीजिए रेडियस रेशियो. ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेडियस रेशियो कैलकुलेशन करेंगे अपन इन रेडियस रेशियो की. और इसमें मेंशन करना सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस, रेशियो ऑफ इट्स रेडियस, रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू द, टू द रेडियस, टू द रेडियस ऑफ द सराउंडिंग आयन, ऑफ द सराउंडिंग आयन, ऑफ द सराउंडिंग आयन. नेक्स्ट मेंशन करना, द रेशियो ऑफ कैटाइन टू एनायन रेडियाई, द रेशियो ऑफ कैटाइन टू एनायन रेडियाई, द रेशियो ऑफ कैटाइन टू एनायन रेडियाई इज टर्म, इज टर्म्ड एज रेडियस रेशियो, इज टर्म्ड एज रेडियस रेशियो. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, किसी आयन की समन्वय संख्या, किसी आयन की समन्वय संख्या उस आयन तथा, उस आयन तथा उसे घेरे रखने वाले आयनों की, उसे घेरे रखने वाले आयनों की त्रिज्याओं के अनुपात पर निर्भर करेगी, त्रिज्याओं के अनुपात पर निर्भर करेगी. धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या को अनुपात को, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को, त्रिज्याओं के अनुपात को, त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं, त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं. नेक्स्ट मेंशन कर लेना, त्रिज्या अनुपात को, त्रिज्या अनुपात को कैपिटल आर और स्मॉल आर ऐसे रेडियस रेशियो आर आर से डिनोट किया जाता है. रेडियस रेशियो रिप्रेजेंटेड बाई आर आर, ठीक है ना. तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास में कि रेडियस रेशियो, ये कहा जा सकता है क्या कि रेडियस, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव. यस या नो, ये बोला जा सकता है. और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ये जो आर पॉजिटिव है ना वो हमेशा कहाँ जाएगा, वॉइड में जाएगा.
आर वर्ड अपॉन आर नेगेटिव, ये हमेशा वर्ड में जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ये जो तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, हाँ ये जो है ना तुम्हारे पास में r प्लस अपॉन r माइनस, ये लेस देन या इक्वल वन होता है, इससे एक से ज़्यादा वैल्यू इसकी होती नहीं है। पहले तो ये बनाइए, फिर एक लिस्ट बनाएंगे अपन, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। सबने बना लिया होगा, फिर एक टेबल बनाएंगे। देखिए रेडियस रेशियो से उसका स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन करना रेडियस रेशियो, यहाँ पे मेंशन करना कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर मेंशन करना टाइप्स ऑफ वर्ड। क्या मेंशन करोगे भाई, सॉरी टाइप्स ऑफ, हाँ टाइप्स ऑफ वर्ड, और फिर यहाँ मेंशन करना एग्जांपल। एक बार टेबल बनाइए, रेडियस रेशियो से हम सारी बातें पता करेंगे। रेडियस रेशियो हो 0.235 से लेकर 0.414 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। रेडियस रेशियो 0.14 से वो 0.732, तो रेडियस रेशियो तुम्हारे पास में 6 होगा। आई बात समझ, रेडियस रेशियो कितना होगा, 6 होगा। यदि तुम्हारे पास में ये हो 0.732, ये कितना हो 1.0, तो रेडियस रेशियो तुम्हारे, ये सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा, ये रेडियस रेशियो की वैल्यू। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर टाइप्स ऑफ वर्ड ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, चतुष्फलकीय वर्ड होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, और ये क्यूबिक वर्ड होगा, क्यूबिक वर्ड। और क्यूबिक वर्ड किस में पाया जाता है, सीजियम क्लोराइड में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड किस में पाया जाएगा, NaCl में। टेट्राहेड्रल वर्ड किस में पाया जाएगा, CaF2 में। बना लीजिए एग्जाम, बना लिया यहाँ तक। अब टॉपिक मेंशन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है ना, और इसमें भी सबसे पहले मेंशन कीजिए रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।
अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। भाई ये अष्टफल की संरचना बनती कैसे है? ये छह परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। एफसीसी जो यूनिट सेल होती है उसमें छह परमाणु से मिलकर बनी होती है, लेकिन मुझे तो चार परमाणु से मैं इसका रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। अपन है बस हम छह परमाणु से कैसे भाई कि ये जो रेडियस, ये जो तुम्हारे पास में ये ऑक्टाइडल वर्ल्ड बनेगा ना, वो किस जगह बनेगा? इस जगह बनेगा। ये यहाँ पर जहाँ कनेक्टिविटी बन रही है ना, इस जगह बनेगा। ये छह एटम से मिलकर बना। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो तुम्हारे पास में चार एटम है ना, ये चार एटम 1 2 3 4 ये तो एक प्लेन में, और ये दो एटम है ना वो डिफरेंट प्लेन में। मैं इसको हटा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आई बात समझ? तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इन द स्ट्रक्चर, सॉरी इन दिस स्ट्रक्चर द सेंट्रल केटाइन इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6 एनाइन नेक्स्ट मेंशन करना, 4 एनाइन लाइज इन सेम प्लेन एंड टू एनाइन लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, इस संरचना में धनायन छह ऋणायनों से घिरा हुआ होता है। इसमें चार ऋणायन तल में उपस्थित होते हैं तथा दो ऋणायन तल के ऊपर तथा तल के नीचे उपस्थित होते हैं। अब देखो, जो तल के ऊपर और नीचे उपस्थित हैं उनसे मुझे कोई मतलब है नहीं, हम तल वाले की बात करते हैं ठीक है। तो यहाँ बात करते हो, जो चार एटम तल में हैं वो यही तो होंगे, यही तो है। एक इसके ऊपर है, एक नीचे है, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपना वर्ड पड़ा हुआ है तो इसका रेडियस रेशियो निकालना है, यही तो है केटाइन। तो एक बात, तो इसका रेडियस रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका जो सेंटर है वो ये वाला, यहाँ से ये वर्ड का सेंटर और ये यही तो है, सबको दिख रहा होगा, यही तो रेडियस रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। आ रही के बात समझ? ये चलो अच्छे से और समझ में आएगी, देखना क्या समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बिग बना लेते हैं, ताकि अंदर का एटम भी थोड़ा बड़ा बन जाए। यहाँ पर यही तो है केटाइन, ये केटाइन ही तो है। अब केटाइन है तो एक बात बताना रे, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि तुम ये एक तुमने क्या बनाया, इसके अंदर क्यूब बना लीजिए एक, कि इनकी क्यूब को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर हर सेंटर आपस में एक क्यूब बना रहा है। ये सेनो
और ये जो तुम्हारे पास में है ये कौन है, आर माइनस, और ये भाई ये जो रेडियस है ना इसमें दिखा देता हूँ, ये क्या है आर माइनस है, तो ये है आर माइनस और वो क्या है आर प्लस। आगे बात समझ, अब इसी को तो कैलकुलेट करना है, इस रेशियो को ही तो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर ये सब भाई ये कौन से हैं, नेगेटिव वाले हैं, ये नेगेटिव आए ना सारे के सारे। आगे क्या बात समझ, यस या नो? अब मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए कि सब कुछ आपको अच्छे से दिखे, आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे के पूरे को निकाल के मैं यहाँ ले आऊँ क्या, बाहर निकाल लूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से दिख जाए। ये लो भाई, और मैं ये क्या मान देता हूँ कि यहाँ पर ए बी सी डी बना देता हूँ, कि ये ए बी सी डी यानी कि ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी बना लीजिए। और तुम्हें पता है कि यहाँ ये आर माइनस है और ये क्या है आर प्लस है, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये जो निकाला है वो कहाँ से लिया है मैंने, यहीं से तो लिया है, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया भैया ब्रॉड फॉर्म में ताकि आप लोगों को दिख जाए ये। अब मुझे ये रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, ट्राई एंगल ए बी सी कैलकुलेट करोगे। और आपको पता है ये जो ए बी है ना, अरे भाई यही तो है ए बी, यस है ना, तो ये जो ए बी है ये क्या बोल दूंगा इसको, तो क्या बोलूँगा, ये आर ही तो है भाई, आर ही तो है, रेडियस ही तो है, तो मेरे को सोल्व करना पड़ेगा ट्राई एंगल क्या ए बी सी, ट्राई एंगल ए बी सी। और इसको सोल्व करोगे तो क्या बोलोगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो बोलोगे, यस है ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब आप लोगों को ये भी पता है, क्या पता है आप लोगों को, ये भी पता है कि यहाँ पर देखना कि यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू क्या है आर प्लस प्लस आर माइनस है, ये भी सब बच्चे को पता है, क्या है आर प्लस प्लस आर माइनस है, देख लो भाई ए सी इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस है। और आप लोगों को ये भी पता है कि ए बी इज इक्वल टू तो क्या है बी सी है, बी सी ए बी इज इक्वल टू तो ही क्या है बी सी है, बी सी इज इक्वल टू क्या है सी डी है, मतलब यही बन रहा। और ये है कितना भाई तुम्हारे पास में आर है भाई, ये जो डिस्टेंस है आर रेडियस से तो मानेंगे आर डिस्टेंस तो है, यस या नो? चलिए अपन आगे, ठीक है ना। और आर है किसकी भैया, ये आर नेगेटिव की, रेडियस किसकी है भैया, नेगेटिव वाली की, इसलिए नेगेटिव लगा दिए। तो अब मेंशन कीजिए भाई, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू ये स्क्वायर आर माइनस का स्क्वायर प्लस आर माइनस का स्क्वायर। अब माइनस तो किसको डिनोट कर रहा है भाई, ऋण आय किसको डिनोट कर रहा है, एन आई मतलब नेगेटिव वाले वर्ड को, तो यहाँ पर इसको वो मत कर देना कि पॉजिटिव कर दो, तो ये क्या हो गया आर माइनस का स्क्वायर प्लस आर माइनस का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास में ये क्या हो गया टू आर माइनस का स्क्वायर हो गया क्या, यस या नो, टू आर माइनस का स्क्वायर हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। इधर कौन है तुम्हारे पास में आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर, यहाँ तक बनाइए एक बार इसको, ठीक है। फिर आगे सोल्व कीजिए इसको, आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको मैं, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू रूट टू आर माइनस का स्क्वायर, तो ये क्या आर प्लस प्लस आर माइनस, देखना ये बॉटम में है आर प्लस एक, तो आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू रूट टू आर, ठीक है। फिर इसको आगे सोल्व कीजिए, ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को उधर भेज दीजिए ताकि अपना काम हो जाए, रूट टू आर माइनस
माइनस आर माइनस, यस या नो? फिर यहाँ पर सोल्व कीजिए इसको, आर प्लस इज इक्वल टू, यहाँ से आर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, क्या आ गया रूट टू माइनस का वन। और आप लोगों को पता है रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, माइनस का क्या भाई वन, ये क्या आर पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इज इक्वल टू 0.414 आ रहा है क्या। ये लो भैया ऑक्टाइडल के लिए जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 0.414 आ रही है। सोल्व कर लीजिए, ये रेडियस रेशियो हम सोल्व करना है, और लिख लेना यहाँ पर रेडियस रेशियो ऑक्टाइडल वॉइड। बना लो भैया फटाफट उसको, ठीक है। इसके बाद में क्यूबिक वॉइड के लिए देखेंगे रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बना लिया होगा। इसके बाद में देखिए रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक वॉइड। रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रक्चर बनानी आती है ना वो रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लेगा, रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर। रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर देखो भाई, क्यूबिक स्ट्रक्चर जो बन रही है वो किसके अंदर बनती थी, बीसीसी के अंदर। तो सबसे पहले तो बीसीसी बनाए अच्छे से,
अच्छा बीसीसी के अंदर कहाँ बंदी थी? बिल्कुल सेंटर में बंदी थी, बिल्कुल ही सेंटर में बनती थी। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बनती थी। तो कहने का मतलब यही तो है भाई, मैं बात करना चाहूँ तो यही तो है। एक बीसीसी में एक फेस पे अपन ये बात करना चाहिए थी, यही तो है। फिर यहाँ पर सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ नहीं इसके यहाँ पर, यहाँ 3D में। तो भाई एक बात तो ये क्या है, R-R- तो है, ये भी क्या है R-R- तो। अब डायगोनली वो प्रेजेंट होगा, ये वाला डायगोनली। ये क्या हो गया, ABCDEFGH, ठीक है। यहाँ सेंटर में तुम्हारे पास में कौन है, वो वॉइड प्रेजेंट है, क्यूबिक वॉइड। अब क्यूबिक वॉइड प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या है भाई, इधर देखना भाई, बात को समझना। ये ए और बी आ गया, ये ए और बी आ गया, इनको आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ये ए और सी। ये कनेक्ट नहीं, इनको कैलकुलेट कर लेंगे ए और सी को, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे पता है ए बी पता है, मुझे बी सी पता है। अब यहाँ पर ये तो, इसे तो क्या मान लीजिए ओरिजन, ओरिजन ओ, और यहाँ पर ये एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए पी, ठीक है ना। तो ये डायगोनल पे ही तो है, ये डायगोनली पे तो है। अरे की बात समझ, ये ए ये डायगोनली पे। अब ध्यान देना, ये जो ए है, बात को समझना, ये जो ए है वो स्ट्रक्चर तो बनाओ, मैं दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये डायग्राम ही तो इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब मैं ये कह दूँ कि ये जो ए ओ है ना, ये जो आपने ए ओ बनाया वो ये ही तो बनाया, कि ये ए यहाँ पर ये एटम है, ओ ओरिजिन पे क्या है, ये एटम है, ये डायगोनली यहाँ से प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है ये। तो ये जो ए ओ है, ए ओ, ये जो ए और ओ है, इस ए ओ को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ओ इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस ही है कि, यही तो है, यस या ना। तो चलिए अपन आगे इसके ऊपर बात करते हैं। मेंशन कीजिए ट्राई एंगल ए ओ पी। सबसे पहले मेंशन करना है यहाँ पर ट्राई एंगल ए ओ पी। ए ओ पी में मुझे क्या रेडियस रेशो निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज प्लस प्लस ओ पी का स्क्वायर, यही तो बोलूँगा। और मुझे पता है, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या पता है कि ए ओ इज इक्वल टू, तो क्या होता है, आर प्लस प्लस क्या आर माइनस होता है। यहाँ पर जो ए बी है, ए बी जो निकला है तुम्हारे पास में, इस ए बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी, अरे सॉरी ए बी लगा दिया क्या, ए बी नहीं भाई, ट्राइंगल ए ओ पी तो सोल्व कर रहे हो, ए पी
ए बी नहीं, ए पी, ए पी का स्क्वायर, ए ओ पता चल गया, ए पी क्या होगा, ए पी को ये कहा जा सकता है कि हाफ ए सी, और ओ पी को ये कहा जा सकता है कि हाफ बी ई, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, हाफ बी ई, यस है ना। और मुझे ये भी पता है कि ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी ई इज इक्वल टू क्या है, बी सी, ये भी मुझे पता है। और कितना है ये है 2R माइनस, ये वैल्यू होती है इसकी 2R माइनस वैल्यू, 2R माइनस तो गया, ये इसकी R माइनस और इसकी R माइनस, ये मिल गई तो 2R माइनस तो बना रही, ठीक है भाई, यहाँ तक मेंशन कीजिए। आगे चले अपन, देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम सोल्व करेंगे क्या, अभी ये इसको यहीं रहने दीजिए, सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, एसी का स्क्वायर, मुझे एसी की वैल्यू पता चल जाए एक बार, ताकि यहाँ वैल्यू पुट करो, बी की तो वैल्यू पता है, एसी की वैल्यू पता करनी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी का स्क्वायर प्लस क्या भैया, बीसी का स्क्वायर। और मुझे पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी है, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, 2R माइनस, यही तो है इनकी वैल्यू, 2R माइनस तो है, कितनी है 2R माइनस है। तो वैल्यू पुट कीजिए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R माइनस का स्क्वायर प्लस 2R माइनस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया ये 4R माइनस का स्क्वायर प्लस 4R माइनस का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8R माइनस का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 8R माइनस का माइनस स्क्वायर, तो कितना बन गया तुम्हारे पास में ये 2 का 2 रूट 2R माइनस, ये तो वैल्यू आई ए सी की वैल्यू यही तो आई 2 रूट 2R माइनस, देखना भैया चेक कर लेना, 2 रूट 2 आर माइनस तो आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है भाई। इसको इक्वेशन क्या दे देना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। अब सोल्व करते हैं, थर्ड नंबर पे अपन सोल्व करते हैं, देख लो भाई दिख तो सब रहा है ना आप लोगों को, थर्ड नंबर पे क्या मेंशन करेंगे, थर्ड नंबर पे मेंशन करेंगे बोलना पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन टू, तो टू के अंदर वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू 1/2, ए सी की वैल्यू कितनी आई भी, ए सी की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास में 2 रूट 2R माइनस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ए पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है रूट 2R माइनस। फिर क्या करोगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ बी ई इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, और बी ई क्या है तुम्हारे पास में 2R माइनस, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू 2R माइनस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया R माइनस, यस है ना। फिर क्या बोलोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी एंड ओ पी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ए पी एंड ओ पी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी एंड ओ पी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ये बोल वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाए ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी की वैल्यू कितनी है।